अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन जुरिसप्रूडेंस। जुरिसप्रूडेंस का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर ये जो है एग्जाम्स के अंदर भी आ जाता है और जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब अक्सर ये एग्जाम में ऐसे सवाल आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, कि दोनों के जस्टिस सिस्टम में क्या डिफरेंस है, और जो है अक्सर ऐसे भी आता है कि राइट डाउन द कंपोनेंट्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो हम उसको भी देखेंगे और सबसे पहले जो है डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहले जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है, इसकी टू काइंड्स आपने याद रखनी है, एक है क्रिमिनल जस्टिस और एक है सिविल जस्टिस। सबसे पहले देखते हैं हम क्रिमिनल जस्टिस को, कि ये क्रिमिनल जस्टिस क्या है। क्रिमिनल जस्टिस जो है हमें ये याद रखना है, क्रिमिनल जस्टिस क्या है कि क्रिमिनल जस्टिस के अगेंस्ट हम पब्लिक जस्टिस भी बोलते हैं। क्रिमिनल जस्टिस को हम पब्लिक जस्टिस इस वजह से बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर पब्लिक भी इन्वॉल्व हो सकती है। आपने अक्सर देखा होगा क्रिमिनल जितने भी केसेस होते हैं उसके अंदर अक्सर जो है इस के एक नाम होता है, जिस तरीके से नबील वर्सेस स्टेट। तो वर्सेस स्टेट क्यों, क्यों क्योंकि इसके अंदर जो है हमारी सोसाइटी भी इन्वॉल्व हो सकती है, पब्लिक भी इन्वॉल्व हो सकती है। फर्दर आप आ जाएँ कि ये जो है ट्रांसफ़र की केस किसके पास चलता है, मैजिस्ट्रेट के पास। मैजिस्ट्रेट के पास ये केस चलता है और मैजिस्ट्रेट फॉलो किसको करता है, मैजिस्ट्रेट फॉलो करता है सीआरपीसी को। ठीक है, मैजिस्ट्रेट फॉलो करता है सीआरपीसी को और इसके अंदर जो केसेस होते हैं हमारे पास, जैसे कि हमारे पास हैं मर्डर के केसेस हो गए, रोबरी डकैती के केसेस हो गए, एक्स वाई जेड। ठीक है, ये केसेस चलते हैं। अब जो मेन ऑब्जेक्ट है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर क्या होता है कि पनिशमेंट होती है। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर क्या होता है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है, इसका बेसिक ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास बेसिक इसका ऑब्जेक्ट जो है वो है पनिशमेंट। तो क्रिमिनल जस्टिस का बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है, पनिशमेंट। अब आते हैं सिविल जस्टिस सिस्टम के पास। अब जो सिविल जस्टिस सिस्टम है वो है प्राइवेट जस्टिस। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो है आपके ज़मीनी मामलात, आपके निजी मामलात होते हैं। इसके अंदर जो है सिविल कोर्ट, ये जो है सिविल कोर्ट में चलता है, ये किसके पास चलता है, सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट्स के अंदर ये केस चलता है और इसके अंदर जो है अक्सर आपने देखा होगा कि फैमिली केसेस भी हो सकते हैं, फैमिली मैटर्स भी हो सकते हैं, और ये जो है सिविल कोर्ट और जो है ये सीपीसी को फॉलो करते हैं। सीपीसी को फॉलो करने के अलावा जो है कॉन्ट्रैक्ट अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसको भी ये जो है उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी ये बताते हैं। फर्दर इसके अंदर जितने भी फैमिली मैटर्स होते हैं वो आ सकते हैं, या फिर जो है आपके सिविल मैटर्स हैं वो आ सकते हैं। और जो डिटर, इसकी जो बेसिक ऑब्जेक्ट है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ राइट। डिटर्मिनेशन ऑफ राइट, अब डिटर्मिनेशन ऑफ राइट मीन्स के किसी का राइट जो है वो पामाल हो, किस तरीके से। इसके अंदर जो है हमारे पास दो प्राइमरी, एक है प्राइमरी राइट और एक है हमारे पास सेंक्शनिंग राइट। प्राइमरी राइट जो बेसिक राइट है कि भाई ये ज़मीन आपकी नहीं है, ये ज़मीन जो है इस बंदे की है, तो आपने जो है वो प्रॉपर्टी उसको दे दी। और एक है हमारे पास सेंक्शनिंग राइट। अब ये सेंक्शनिंग राइट क्या है, सेंक्शनिंग राइट वो होता है कि जिसके अंदर अक्सर ये होता है कि भाई आपको कंपनसेट करना पड़ेगा, आपने जो है इस बंदे की प्रॉपर्टी के ऊपर 5 महीने कब्जा किया, 5 महीने कब्जा करने की वजह से क्या हुआ कि इसको जो है इतना नुकसान हुआ है, तो उस नुकसान के बदहिविज आपको जो है कंपनसेट करना पड़ेगा कि आप जो है इसको कंपनसेट करें। ठीक है, तो डिटर्मिनेशन ऑफ राइट इसका क्या होता है, एक होता है हमारे पास प्राइमरी राइट और एक हमारे पास है सेंक्शनिंग राइट, जो कि कंपनसेशन की सूरत में। अब आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। इसके जो कंपोनेंट्स हैं बहुत ही सिंपल है, इसका प्रीवियस लेक्चर भी था। कंपोनेंट्स इसके ये हैं कि सबसे पहले होता है हमारे पास ऑफेंस। ऑफेंस होने के बाद क्या होता है कि इब्तदाई ऑफेंस होने के बाद होता है रिपोर्ट। ऑफेंस रिपोर्ट होगा जो कि एफआईआर की सूरत में होगा। ठीक है, फर्दर उसके बाद क्या, थर्ड जो स्टेप है, थर्ड स्टेप के अंदर हमारे पास होता है पुलिस इन्वेस्टिगेशन। पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगी। ठीक है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या होगा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद हमारी जो है वो होगी कि प्रोसिक्यूशन जो है उस ट्रायल को देख, प्रोसिक्यूशन के पास वो केस जाएगा।
प्रोसिक्यूशन और जो है ये ट्रायल चलेगा। ट्रायल के बाद क्या होगा कि ट्रायल जब चलेगा तो या तो बंदा हो जाएगा कन्विक्ट या तो हो जाएगा एक्विट। अब ये कन्विक्ट और एक्विट का, कन्विक्ट मीन्स के उसको जो है सज़ा मिलेगी, एक्विट मीन्स के वो बरी हो जाएगा। अब जो कन्विक्ट होगा बंदा, कन्विक्ट के अंदर या तो वो हो जाएगा प्रोबेशन पे या तो फिर जो है उसको मिलेगी पनिशमेंट, उसको जो है इम्प्रिजमेंट मिलेगी। अब इम्प्रिजमेंट के अंदर क्या होगा, इम्प्रिजमेंट या तो उसको जो है अगर वो उसकी इम्प्रिजमेंट उसको मिली, सज़ा मिली और जेल के अंदर जो है उसका रवैया अच्छा है तो उसको भेजा जाएगा पेरोल पे, या तो फिर जो है उसको जो है रिलीज़ कर दिया जाएगा अगर उसका रवैया अच्छा है, या फिर उसको जो है सज़ा कंप्लीट हो जाती है। होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा आज का टॉपिक। थैंक यू डेट्स ऑल।